आपका समय के अनुसार शुभ लेखा अति उत्तम है। ये अवसर बड़े भाग से आप सबको मिलता है। इस सबको नहीं मिलता है, जिन पे बड़ी दया उस परम पिता परमात्मा की होती है, जिसका आदि अनंत का कोई भी पता नहीं आज तक लगा पाया, जो कि सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, लेकिन समय वक्त के अनुसार अज्ञान का वो पर्दा पड़ा होने के कारण जीव बाहर के रीति रिवाजों में फंस गया, इसे जाल चक्कर के अंदर चक्र को पार नहीं कर पाया, जो सबसे न्यारा है, सबसे न्यारा है, व्यथा है, जिसकी था आज तक किसी ने नहीं पाई। भाई अब क्या मिल जाएगे, अपनी अपने सब बाहे बाहे के चक्कर में लगे हुए हैं। वीडियो क्वालिटी देगा तुम, लेकिन बड़े अमूल्य की बात है। संतोष सभा धीर तसल्ली अलीगढ़ जिले के बड़े सौहार्द आप सबके हैं, जो समय वक्त के अनुसार वर्तमान में ऐसे सतगुरु के साथ आप सबका संबंध हुआ, वे सौभाग्य है आपके। सूरत शब्द का जब मेल होता है, है तो उसको संसार के अंदर कितनी भी जबरदस्त ताकते हो छुड़ा नहीं सकते। हाँ मोर तो भाई इसमें बहुत आएंगे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, घबराओ मत, विजय आपकी होगी। हिम्मत मत हारो, शब्द के अंदर इतनी कसौनी ताकत होती है जिसकी महिमा ही बेअंत व्यापार है। तो समय के अनुसार जहां तक ये वाणी आप सभी को सूचित करती है, तो आप सब जिनको सूरत शब्द का मार्ग मिला है, वो सभी प्रेमी आत्माएं धुन के अभ्यास में बैठे। जिनके धुन का मार्ग मिला है वो धुन पे बैठ जाएं, जिन्हें नहीं मिला है वो आंख बंद करके ध्यान लगाएं, सीधे कान में उठा लगा लें और ध्यान लगाएं। जिन्हें नहीं कुछ मिला है पूजा कितने कहते हैं दोनों लगा ऐसे आँख न खोलना।
चश्मा लगा रहे हैं क्या दोस्त साहब आप देख बाबू बैठ जा बेटा सही से बैठ जा ऐसे बैठ जाना हट जाओ से बैठ जा ऐसे ऐसे ही ऐसे बैठ जा ऐसे करके सब बैठे तुम भी बैठ जाओ ऐसे कपड़े के अंदर से लगाते बाबा आए भाई उस अंधेरे में आपको कौन ले जाएगा बताओ। हाँ अगर आपकी सुबह लेखों की घड़ी जब समय वक्त के अनुसार उदय होती है सामने आती है तो दुख और बीमारी फैल जाती है संसार के अंदर भाई है। लेकिन वो दीपक जो अगम बिन ब्याती बिन तेल के कहां जलता है आवाज और प्रकाश के अंदर ही सब कुछ है। रूप जब तक आवाज है और प्रकाश नहीं मिलेगा है तो कैसा सतगुरु है कैसा मार्गदर्शक है भाई कैसा मुर्शिद है फकीर है। बाहर फंसा दिया कहां शरीर के नीचे शरीर के नीचे का क्या मिलेगा है कुछ नहीं। जिसके लिए आपको अमूल्य जीवन मिला है आपको तो इससे ऊपर उठना था लेकिन आप नीचे रहेंगे। इसके बाद आप कहाँ जाओगे कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों की योनी में भटकोगे युग बीत जाएंगे लेकिन
छुटकारा नहीं मिलेगा। शुभ कर्मों की जब घड़ी उदय होती है तब जाकर के आपको अमूल्य जीवन मानव शरीर का मिलता है। किसके लिए? उस परम पिता परमात्मा की इबादत करके, भक्ति करके इस शरीर रूपी संसार से जीते जी निकलना सतगुरु के माध्यम के जरिए आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, कोई कितना भी बीच रास्ते में आपके सामने विपत्तियां डाले, रुकाटे डाले, उनका कोई भी असर नहीं पड़ सकता। उनकी भी ड्यूटी है, उनकी कमी नहीं है, वो भी किसी के अधीन है जैसे आप किसी के अधीन है। क्यों? आपको भी किसका सहारा मिला? शब्द का। लेकिन ये शरीर शब्द नहीं है भाई, लेकिन जब शरीर शब्द नहीं है तो कैसे जानोगे? शरीर के अंदर ही शब्द प्रकट है। साहेब सत्य कबीर, साहेब सत्य कबीर। अब साहेब सत्य कबीर कौन है, किसको जानेगा, कहाँ उसका जन्म है, क्या उसकी पोजीशन है, है? कौन सा जिला है, है? कैसे पता लगेगा साहेब सत्य कबीर? जब तक किसी के अंदर वो सत्ता प्रकट नहीं होगी तब तक कौन जानेगा भाई। तो शब्द ऐसे नहीं प्रकट होता है, वो देखता है इसके अंदर और बाहर के विचार कैसे हैं। अंदर के विचार कुछ और हैं और बाहर के विचार कुछ और हैं, मेल नहीं खाता तो कैसे काम बनेगा, कैसे प्रेम होगा, कैसे रीझेगा भाई, कैसे आपसे खुश होगा। तो इसलिए जब आप सतगुरु के द्वारा सूरत शब्द की जब कमाई करते हैं, वो दीपक अगम बेथा है, उसकी जब लाइट ने रोशनी मिलती है कहां, नौ दारों से ऊपर आ जाओ यहाँ जहाँ तिलक और बिंदी लगाते हैं। कुछ भी नहीं, शरीर हिलेगा नहीं, फिर जाम हो जाएगा, क्योंकि वेद ग्रंथ में गीता में साफ साफ आपको समझाया। लेकिन भाई आप पढ़ते हैं, ज्ञानी ऐसा नहीं होशियार है लेकिन अमन नहीं करते हैं, इसका मतलब क्या है, उसमें जो लिखा है वो लिखने के अनुसार आपको कर्म करना पड़ेगा। लेकिन कर्म कैसे करोगे जब तक आपको सतगुरु नहीं मिलेगा? कौन? जो लखाने वाला, जिसने लखा है, किसको? शब्द को परखा, वही आपको खा सकता है और जना सकता है। जो देखता है वही दिखाएगा, जो अंधा है वो क्या दिखाएगा, वो खुद अंधा ही है। अब देवता देखो कितने से होगी आपके, लेकिन आजकल के देवता किसी बाजार में खरीद लो, जिस मर्जी खरीद लो, जितने खरीद लो, 100 के खरीदो, 500 के खरीदो, 10 रुपये खरीदो, 5 रुपये खरीदो, वही देवता है। क्या है भाई? तो कौन कौन देवता तो रुपया वाला काम करेगा कि 20 वाला काम करेगा कि 1000 रुपया काम करेगा, वो तो एक है। देवताओं को गिनती नहीं है, किसके अधीन है? घटे ही में रमता है, घर से बाहर नहीं है। बाहर टोले सो भरम बुलाई, आप तीर्थों पे जाते हो, तीर्थों पे क्या मिलता है? पानी।
पत्थर और कागज पुस्तकें वापस दे देंगे? नहीं दे सकते। तीर्थ मंदिरों पे इसलिए जाते हैं कोई ऐसा महात्मा उपदेश देता है। प्रवचन वाणी को जब आप सुनते हैं उन महापुरुषों की वाणियों को, तो आपको भाई आती है तो आप उसको पकड़ लेते हैं। जब पकड़ते हैं क्योंकि तो आपकी रूह जो शरीर के अंदर जो रमी हुई है, जिसके जरिए पूरे अंग चल रहे हैं, जितने भी अंग हैं शरीर के अंदर पुर्जे हैं, वो अपनी अपनी जगह सभी चालू हैं। लेकिन जब समय वक्त के अनुसार सूरत शब्द के अभ्यास के पास जाएंगे, सूरत शब्द यानी आत्मा, शब्द यानी शब्द को सुनती है, ये है शब्द। ये गाने बजाने को शब्द नहीं कहते हैं, ये एक डुगड़िया पीटने का एक इशारा है भाई। कहते हैं जो बाजे आप बारे सुन रहे हो ना, ये आपके अंदर भी बज रहे हैं, लेकिन सुनाएगा कौन? जिसने सुना है वही बैठा लेगा। अब प्रैक्टिकल व्यक्तिगत अनुभव करा करके छोड़ेगा, चाहे एक बार में बैठो, चाहे दो बार में, चाहे तीन बार में, है नी? जब तक अनुभव ना हो तब तक हिम्मत को मत तोड़ो भाई, ये ऐसे काम नहीं चलेगा। बताओ, संसार के काम से आपको फुर्सत नहीं, कहीं भैंसिया छूटी जाएगी जब टाइम से दूध नहीं दुहेंगे, है दूध कम हो जाएगा, क्यों दूछाप का एक सुत्ती हो जाएगा, अब भैंसिया लगेगी नहीं, चिंता हो गई घर के अंदर, बच्चे है नहीं, चारा कौन करेगा, अरे हम बैठे घर में चोर कहीं आ जाए, बताओ तोड़ के सामान सब निकाल ले जाए, ये मन एक यहाँ एक वहां लगा हुआ है भाई, क्या होगा है? अब पोता हमारा, अब रात है बेटा है, रास्ते में जा रहे हैं, कोई बीमारी न हो जाए कौन संभालेगा, अरे बताओ कौन संभालेगा, हम क्या कर सकते हैं, संभालने वाला कोई और है भाई, दूसरा कोई नहीं है, लेकिन हमारे अंदर धैर्य धीरज नहीं है भाई, और दिल उथल पुथल करता, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे काम बनेगा, है नहीं? जो सबका मालिक है, तो इसीलिए कहते हैं ऐसे शरीर को कैसे पकड़ेगा कौन, वो जो शब्द है घट घट का वासी है, कण कण में रमा हुआ है, जब वो जान लेता है अंदर बाहर के विचार एक नहीं, संसार में परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई है नहीं, कौन, जो शब्द का अभ्यास सूरत आत्मा करती, वो राधा वो मुरली को सुनती है, किसके द्वारा, सतगुरु के द्वारा, तो राधा उस मुरली को सुनकर रिझ जाती है, तो आप सब क्या है, राधा है, उस मुरली की आवाज को किसने सुनाया, सतगुरु ने, किसने बजाया मुरली, कृष्ण ने, सभी राधाएं रीझ गई, ओ उसके बगैर बेचैन है परेशान है, अब राधे राधे राधे, अब राधा मिली नहीं तो राधे कैसे मिलेगी, बताओ पहले, राधा से मुलाकात नहीं हुई, राधे राधे कहाँ, राधा राधे मिलेंगे, पहले जब राधा को खोजो, राधा कहाँ बसती है, अब क्या करती है, उसके गुण अवगुण क्या है भाई, उसका चाल चलन क्या है, प्रारब्ध शरीर आपका मौजूद है वर्तमान में, और जब तक वर्तमान में कोई ऐसी राधा और रानी नहीं मिलेगी, तब तक भाई आपका मार्गदर्शक अधूरा है, कुछ ना भी होते हमारे कृष्ण है से, न राधा मुलाकात कराएगी, न रानी राजा से मुलाकात कराएगी, देखे नहीं मुलाकात नहीं भाई, संबंध नहीं हुआ, क्या बताएगी प्रेम के बारे में भाई, इसीलिए समझाया है, जब तक विदेह रहूरी दे विदेह दर्शन,
में रहते हुए वो शब्द देह से परे अलग है। वो दीपक जो जल रहा है बैठा है कहाँ जल रहा है? दीपक जो जलता है दीवा जले गंपा बिन वाती बिन तेल और हम बासी उस देश के हैं जहाँ पार ब्रह्म का तेल है। जब आप बैठ जाओगे जैसे आप दिन में चंद्रमा दिखाई देता सूर्य दिखाई देता है ऐसे ही आपको रात को भी यही दिखाई देगा। लेकिन किसको? जिसका कपाट खुला हुआ है भाई वही देख सकता है, जिसका कपाट नहीं खुला है वो नहीं देख सकता। लेकिन जाओगे कैसे? एक और भक्त है उसका जिसने संसार को बसाया, संसार से बाहर नहीं जाने देगा, वो भी परमात्मा है, है? परमात्मा का बच्चा है कौन? निरंजन, जो आपको पूजा पाठ तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियों में लगाए रखा है, है? इससे आपको क्या मिलता है? आराम मिलेगा, छुटकारा नहीं मिल सकता है। इसको क्या कहते हैं? काल। वो दयाल क्या करता है? आपका संबंध सूरत और शब्द करा करके जीते जी उस प्रकाश और नूर यानी रोशनी मिले जाता है, वो दीपक कभी बुझने वाला नहीं है, वो बाजे कभी बंद होने वाले नहीं है भाई। हमें उन बाजों को सुनना है, इन बाजों के सुनने से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। एक तो एक माध्यम के जरिए बाहर जो बाजे बजाते हैं एक समझाने का इशारा है, जैसे मंदिर या मस्जिद बना लिए उन्हें मूर्ति रख ली, लेकिन मंदिर बना लिए मूर्ति रख ली वो हमारी संभाल नहीं करेंगे। संभाल कौन करेगा? जो उसमें पुजारी इस लायक है वो संभाल करेगा। जो विदेह है शरीर से, उसका शरीर यहाँ संसार में है और उसका दिव्य स्वरूप दिव्य मंडलों में भ्रमण करता है, विचरता है और तत्व ही आत्माओं की संभाल करता है। वो पुजारी मंदिर में धन्य है, ये राधा रानी है का वो देखो, वो जो झंडा लहराता है लहर लहर लहराए झंडा, वो राधा रानी का, उसकी तो महिमा की अपर अवर्णनीय व्यथा हो ही नहीं सकती। गा दिया यही नहीं पता नहीं कितनी पौड़ी में कोई झंडा लहरा रहा है, कितने सरोवर का पार करने पड़ेंगे, कौन कौन से मोड़ आएंगे, पहले स्थान का पता नहीं पहुंच गए पुलाई पे, मिट्टी पलित हो जाएंगे, कहां जाओगे? मनमानी कहो कहोगे, सतगुरु का कहना नहीं मानोगे तो कर्म का भार उठाना पड़ेगा, और सतगुरु के कहने पे चलोगे भाई तो आपका बाल बाका नहीं हो सकता है। तो इसी ने कहा है ये करनी का भेद है नाही बुद्धि विचार, और बुद्धि छोड़ करनी करो तो पावो सार। उस सार है वो आर्ज निकलता है कब? पेड़ खड़ा हुआ आपके सामने है, जब इसमें से निचोड़ोगे वो क्रिया मालूम होगी तभी निकालोगे, तो इसमें रस यानी आर्ज निकलेगा। ऐसे सूरत शब्द का जब संबंध होता है ना तो वो आनंद आता है, तुम मत पूछो। उस आनंद को इस मुख से खोला नहीं जाता है भाई, वो अवर्णीय है व्यथा। लेकिन कहाँ भाई? जो शत्रु है भाई समय के आधार पे है, बर्बत्व पे जब है, समय के आधार पे जब वर्तमान में जब मौजूद होता है तब जा करके उसके बारे में हमें पता चलता है, तब तक पता चलता नहीं है। तो भाई वो रानी कौन है जो कर्म कमाई और मेहनत करे।